हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। मिड डे मील का बिल जेब से भर रहे शिक्षक, 3 माह से नहीं मिली मिड डे मील डाइट मनी। एक तरफ महंगाई की मार से मिड डे मील को पुराने दामों में बनाना मुश्किल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मिड डे मील का राशन और गैस खरीदने के लिए आने वाली डाइट मनी की राशि भी 3 माह से जारी नहीं हुई है। हालात ये हैं कि फरवरी से अप्रैल तक का मिड डे मील का ये बजट स्कूलों को नहीं दिया गया है और दुकानों से उधार उठा रहे शिक्षकों को अब दुकानदार भी उधार देने से गुरेज कर रहे हैं। इसके साथ ही LPG सप्लाई में तो उधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मिड डे मील वर्कर्स को तो मानदेय डालने के लिए बिल 4 माह हेतु बनाए जा रहे हैं, मगर गैस व राशन के बिल के भुगतान की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। ऐसे में मिड डे मील के राशन व गैस के बिल की अदायगी हेतु शीघ्र बजट जारी करने की मांग प्रारंभिक शिक्षा विभाग से राजकीय टीएसटी कला संघ ने उठाई है। इस मामले को उच्च प्राथमिकता के आधार पर हल करने की गुजारिश की है, क्योंकि उधार का मिड डे मील पकाना अब जटिल हो चुका है। संघ ने कहा कि अपनी जेब से भुगतान करने वाले शिक्षकों को यह राशि वापिस प्राप्त करने में खासी दिक्कत आती है। महंगाई के चलते वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, मगर दाल के लिए 69 रुपये प्रति किलो, नमक 15 रुपये प्रति किलो, मसाला 290 रुपये प्रति किलो, तेल 118 रुपये प्रति लीटर, चीनी 40 रुपये प्रति किलो, सूखे मेवे 240 रुपये प्रति किलो, प्याज 20 रुपये प्रति किलो और न्यूट्री बड़ी 50 रुपये प्रति किलो के रेट से खरीदने का काम बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन दामों पर राशन किसी भी दुकान में नहीं मिल रहा। अपर प्राइमरी में LPG का रेट 2.72 रुपये प्रति विद्यार्थी है, यानी 1000 रुपये से भरे जाने वाले सिलेंडर से भी गुजारा चलाना मुश्किल है और बजट न आने की से स्थिति और बिगड़ चुकी है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत पकाए जाने वाली सामग्री के रेट 14 अप्रैल 2020 को संशोधित किए गए थे, जिसके अनुसार प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील हेतु केंद्र सरकार 2.98 रुपये प्रति विद्यार्थी व राज्य सरकार 1.99 रुपये मिलाकर कुल 4.97 रुपये प्रति विद्यार्थी बजट तय है। वहीं अपर प्राथमिक स्कूलों के मिड डे मील हेतु केंद्र सरकार से 4.47 रुपये प्रति विद्यार्थी व राज्य सरकार 2.98 रुपये मिलाकर 7.45 रुपये प्रति विद्यार्थी बजट तय है। ऐसे में जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, वहां 3 माह का बिल काफ़ी ज़्यादा है और बजट न आने से मिड डे मील पकाना मुश्किल हो गया है। अक्टूबर 2021 में स्कूलों से मिड डे मील की सारी राशि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने वापस लेकर खाते शून्य कर दिए थे और अब इन खातों में पेमेंट नहीं आने से योजना ही संकट में है। इस बारे में जानकारी देने के लिए जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से फोन पर संपर्क किया गया तो फोन तक नहीं उठाया। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मिड डे मील का बजट जारी क्यों नहीं किया गया, इस बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी। अन्य के 22 स्कूलों में नहीं भरे जाएंगे मल्टीटास्क वर्कर्स के पद। जिला कुल्लू के अंतर्गत एजुकेशन ब्लॉक आनी के 22 स्कूलों में मल्टीटास्क वर्करों के पदों को नहीं भरा जाएगा। इसकी वजह यह है कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है। सरकार ने ऐसे स्कूलों में इन पदों को नहीं भरने का फैसला लिया है। अब उपमंडल के 48 स्कूलों में ही पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा 16 ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जहां पहले 10 या इससे कम विद्यार्थियों की संख्या थी, लेकिन बाद में इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में सुधार हो गया और इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में पदों को भरने का प्रपोजल बनाकर भेजा है। इसमें अन्य की मुख्य प्राथमिक पाठशाला भी शामिल है। इसके अलावा 19 माध्यमिक पाठशालाओं के लिए भी पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन इसमें माध्यमिक पाठशाला काष्टा ऐसा स्कूल है जहां छात्रों की संख्या मात्र 2 है, इसके चलते इस स्कूल में भी मल्टीटास्क वर्कर का पद नहीं भरा जाएगा। अब इस स्थिति में इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों को ही मल्टीटास्क वर्कर का कार्य खुद करना पड़ेगा। BEO अन्नी श्रीमती शांति देवी का कहना है कि 15 स्कूलों और 1 BEO कार्यालय के लिए पदों को सृजित करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।
तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।